दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही चैनल सोशल बिगो पर। महत्वपूर्ण वीडियो है, महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूं। 1 और 2 तारीख को जितनी भी घटनाक्रम घटी है EPS 95 के पेंशनर्स के केस के प्रोग्रेस में, तो वो आज मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूँ। अति महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के साथ साझा करूँगा और मैं कोशिश करूँगा 7 से 10 मिनट के अंदर आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन जो भी है, जो अभी भी अब तक का करंट सिनारियो है, जो कुछ भी लेटेस्ट अपडेट है, जो कुछ भी लेटेस्ट प्रोग्रेस है EPS 95 पेंशनर्स के लिए, वो मैं आप लोग के साथ साझा करने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को देने वाला हूँ। तो दोस्तों रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी जरूर करिएगा, ताकि इन्फॉर्मेशन अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके और जो भी घटनाक्रम घट रही है उसके बारे में लोग अवेयर और अपडेट रह सकें। तो आइए शुरू करते हैं और मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूँ 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर के अभी तक के सभी घटनाओं के बारे में। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने कुछ पैम्पलेट शेयर कर रहा हूँ। EPS 95 NSE के ग्रुप के द्वारा शेयर किया गया है और इसमें आप देख सकते हैं भारत सरकार EPFO को दिखाया गया है एक इंसान के रूप में, और उसके बाद सेव नेशन EPS 95 पेंशनर सेव के बारे में बात की गई यहाँ पर, कि EPS 95 पेंशनर्स को बचाओ, EPS 95 पेंशनर्स को नीचे दिखाया गया है। EPFO और सरकार मिल के जो है EPS 95 पेंशनर्स उसके नीचे दबते जा रहे हैं, इस तरह से एक सिंबल जो है बनाया गया है जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये एक जो है पेंशनर्स के द्वारा साझा किया हुआ एक आप बोल सकते हो कि एक कलाकृति है, जिसमें कि वो अपनी व्यथा को व्यक्त कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ कई प्रकार से जो है वो व्यथा व्यक्त करवा चुका हूँ, दिखा चुका हूँ आप लोग को। जैसे कुछ लोग अपनी बातों को रख के लिखते हैं और कुछ लोग जो है पिक्चर्स के माध्यम से भी अपनी बातों को रख रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, बात की जाए एक अन्य पोस्ट में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बताया गया सेव EPS 95 पेंशनर्स। तो कहीं ना कहीं एक जो है सेव EPS 95 पेंशनर्स के कैंपेनिंग जो है EPS 95 पेंशनर्स के द्वारा चलाया जा रहा है, क्योंकि ना ही सरकार ना ही जो इंस्टीट्यूशन है जैसे EPFO जैसा इंस्टीट्यूशन है EPS 95 पेंशनर्स की बातों को संज्ञान में लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वृद्ध EPS 95 पेंशनर्स अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना है। और आप लोग को बता दें कि जैसा कि मैं आगे भी बताने वाला हूँ आप लोग, जो 7 दिसंबर को कार्यक्रम है वो बहुत बड़े पैमाने पर उसकी जो प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में भी मैं आप लोग को इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो मैं खैर आगे मैं इसके बारे में बात करूँगा आपसे। बढ़ते हैं आज के अगले सेगमेंट की तरफ और बात करेंगे तारीख गवाह है। जब जब लोगों सड़कों पर उतरे हैं तब तब बदलाव हुआ है। कम से कम 1 लाख पेंशनर्स को आना है 7 दिसंबर 2019 को दिल्ली में। तो EPS 95 NSE जो है अपना टारगेट सेट कर रखी है कि 1 लाख पेंशनर्स को लेके उपस्थित होना है 7 दिसंबर को दिल्ली में। और इसके लिए आप देख सकते हैं कि ट्विटर के माध्यम से भी जो है यहाँ पर नेशनल लेगेशन कमेटी का जो ट्विटर हैंडल है उसके हवाले भी कुछ जो है बातें ये बातें लिखी गई हैं कि तारीख गवाह है। जब जब लोग सड़कों पर उतरे हैं तब तब बदलाव हुआ है। कम से कम पेंशनर्स को 1 लाख पेंशनर्स को 6 से 7 दिसंबर 2019 को दिल्ली में आना होगा। और ये देखिए कुछ ये वो पिक्चर्स भी उसके साथ साझा किया गया है। ये पिक्चर्स जो साझा की गई है स्वतंत्र साहब से पहले की साझा की गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी अधिक मात्रा में जो लोग वहाँ पर जो उस समय के लीडर्स हुआ करते थे जयप्रकाश नारायण जी, जैसे कि उनको सुनने के लिए यहाँ पर लोग आपको देख सकते हैं। यहाँ पर जो जनसंख्या है वो काफ़ी अधिक मात्रा में लोग उपस्थित होते थे उस समय, और वही उम्मीद की जा रही है कि एक बार फिर से जो है EPS 95 पेंशनर्स अपनी मांग के लिए, हालांकि मैं ये मांग नहीं बोलूँगा, इसे बोलूँगा जायज मांग के लिए जो है वो अपनी बात को जायज मांगों के लिए वो अपने फिर से एक बार जो है उनसे वहाँ उपस्थित होने की अनुरोध की जा रही है। बढ़ते हैं आज के अगले सेगमेंट की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि EPS 95 पेंशनर्स के द्वारा पोस्ट रखा गया है और उसमें कहा गया है कि 7 दिसंबर दिल्ली में रास्ता रोको कार्यक्रम कितना सफल होगा ये निर्भर करता है हम आंदोलन कर्मियों की इच्छा शक्ति पर और सरकार की सद्भावना के ऊपर, इसलिए हमें इकट्ठा होकर दिल्ली में शामिल होना बहुत जरूरी है। वर्तमान सरकार एकड़ सी है। इन्होंने कुछ और लिखना चाहा है यहाँ पर, हालांकि ये की है, उस पर काफ़ी दबाव न डाला जाए तो हम जैसे मध्यवर्गीयों लोगों के लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं होगी। इसलिए हम सभी को इस वक्त सरकार निरोधी रवैया अपनाना पड़ेगा। इसका मतलब सरकार की गलत आर्थिक नीतियों का हमें जोरदार निरोध जो है करना पड़ेगा। हम रास्ते पे चलने की राह पर आगे
सबसे बड़ी रुकावट है हम बीच काफी तादाद में अंध मोदी भक्त की उपस्थिति। तो ये लिखना चाहते हैं यहाँ पर कि हमारे बीच में जो है अंध मोदी भक्ति यहाँ पर बहुत अधिक है, जिस वजह से दिक्कत आ रही है। काफी दिनों तक भाजपा की आईटी सेल सदस्यों के साथ काम करने के अनुभव से मुझे इस बात का एहसास हो चुका है कि मेरा कहना कोई भी नकारा नहीं सकता। समय रहते ही ग्रुप के सारे अंध भक्त मोदी अपने को संभाल ले तो ठीक है, वरना खाली हाथ लौटना पड़ेगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी एक अच्छा विद्यार्थी छात्र की तरह है, जिसे हर विषय में 90% अंक नंबर मिल जाते हैं, लेकिन गणित शास्त्र में सिर्फ 40% नंबर ही दर्ज होता है। बार बार ये एक जन्मसिद्ध प्रक्रिया है। ये ग्रुप कि सारे सदस्यों को इस बात को जरूर याद रखना चाहिए। जय हिंद। तो उन्होंने अपनी बात को यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक पेंशनर्स हैं जिन्होंने अपनी बात को बिल्कुल सामान्य तरीके से, बिल्कुल शालीनता से अपनी बात को रखा हुआ है कि ये निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप कितना इसे सफल बनाना चाहते हैं। 10%, 20%, 50% या 100% चाहते हैं कि इस बार पेंशनर जो है अपनी मांगों को पूरा करा के सरकार से आए। तो ये निर्भर करता है उन पेंशनर्स के ऊपर जो भी वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। तो इस विषय में इन्होंने अपनी बात को यहाँ पर रखी है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने क्लियर रख दिया है। बढ़ते हैं आज के अगले सेगमेंट की तरफ। तो बता दें 1 अक्टूबर 2019 को मंगलवार का दिन था और जिस समय बोलना का करीब 282 दिन संपन्न हो चुका है। एनएससी का बोलना का जो एग्जीशन आप सभी को पता है, जो EPS 95 पेंशनर्स का श्रृंखला अनशन चला आ रहा है, उसका करीब 282 दिन पूरा हो चुका है। और यहाँ पर देखिए पिक्चर्स भी साझा किया है गया है, तो यहाँ पर आप पिक्चर भी देख सकते हैं। 1/10/2019 को बुलढाणा का ऐतिहासिक 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 मैं कहूँगा इसे, क्योंकि ये एक अपने आप में बहुत बड़ा ऐतिहासिक जो है एग्जीशन चला आ रहा है EPS 95 पेंशनर्स का। इसी के ऊपर एक बात रखी गई है, मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगा उस बात को भी। बुलढाणा के आंदोलन से पूरे देश की EPS 95 पेंशनर्स के को बल मिल गया है। ये ताकत 7 दिसंबर को दिल्ली में दिखाना है। ये भोगी फेडरेशन गोरखपुर के द्वारा ये बात रखी गई है कि EPS 95 जो एग्जीशन चला रहा है 282 दिन, मैंने आप लोगों को बताया, हालांकि आज 2 अक्टूबर है तो उसका 283वां दिन जो है EPS 95 पेंशनर्स का एग्जीशन का हो चुका है, जो कि बुलढाणा के महाराष्ट्र के बुलढाणा में जो है कंटिन्यूअसली चला आ रहा है। वो अपनी मांगों को लेकर कंटिन्यूअसली प्रयासरत है और उन्हें उम्मीद है, एक उम्मीद पे दुनिया कायम है और वो उम्मीद यही है कि कभी ना कभी सरकार उनकी बात को जरूर सुनेगी और संस्था उनकी बात को मानेंगे। और 7,500+ DA मेडिकल की फैसिलिटीज जो है, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होता है पेंशनर्स के लिए, वो उन्हें प्राप्त होगा। एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है, हालांकि ये रिक्वायरमेंट सब कुछ करने के बाद भी है, नियम कानून से चलने के बाद भी नहीं पूरी की गई सरकार के द्वारा। तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इतना प्रयास करने के बाद भी EPS 95 पेंशनर सभी भी अपने प्रयासरत में जारी है। आगे देखिए, तो बात करें यहाँ पर हम EPS 95 बुजुर्ग पेंशनर्स भोगियों के दर्द को समझिए और हमारे दर्द को अपना समझकर मोदी जी तक पहुँचाइए। हमने अंशदान जमा किया है, तानाशाही बंद कीजिए मोदी जी। बिल्कुल जेन्युइन बात विजय जी लिखते हैं। आदरणीय मोदी जी, आप महान युग पुरुष होते हैं, आजीवन पेंशन ना लेने का भारत की जनता से वादा कीजिए, अन्यथा हम बुजुर्गों को भी पेंशन दीजिए। बिल्कुल जेन्युइन बात उन्होंने, बिल्कुल लॉजिकल बात जो है यहाँ पर रखी हुई है कि या तो आप मना करिए कि आप भी नहीं लेंगे, या तो जो लोग जायज मांग कर रहे हैं उन्हें जायज मांग दिया जाए। प्रमोद तिवारी जी लिखते हैं, सरकार EPS 95 के सीनियर सिटीजन की उचित पेंशन पर ध्यान नहीं दे रही है, वहीं भ्रष्टाचारी बने अपने घरों पर एक ही परिवार के पति पत्नी पुत्र को 2.5-2.5 लाख रुपए पास कर के सरकारी धन के साथ 50% तक जो है रिश्वत लेकर पास कर रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है। ये प्रमोद तिवारी जी अपनी बात को लिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है जो जायज है उनको नहीं मिल रहा है, जो लोग बेईमानी कर रहे हैं, जो लोग फरेबी कर रहे हैं, जो लोग गलत काम कर रहे हैं, उनकी जो मांगे हैं उसे सरकार के द्वारा पूरी कर दी जा रही है, या फिर अगर नहीं भी उन्हें सरकार पकड़ पा रही है तो वो अपनी मांगों को गलत तरीके से, जो कि जैसा कि नहीं करना चाहिए, गलत तरीके से अपनी बातों को पूरा कर ले रहे हैं। और तो दोस्तों, अब आज के इस सेगमेंट का मैं आखिरी जो है पोस्ट आप लोग के साथ साझा करूंगा। भक्त गढ़ो के ग्लोबल लीडर अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग डे पर EPS 95 के बुजुर्ग पेंशनर्स
वृद्धि का ऐलान करके आशीर्वाद भी मिलता है। तो ये एक बात था, एक पेंशनर्स की बात थी। और आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, और मैं आप लोग के साथ फिर मिलूंगा किसी नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए इसको, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए ये दर्द, ये वेदना, लोग देखें, ये समझें, जिससे कि एक प्रेरणा उनके अंदर भी जगे और एक शक्ति उन्हें मिले और वो बुजुर्गों के साथ आके खड़े हो सकें और उनकी मांगों में सहभागी बने। हर मांग में स्वार्थ नहीं देखना चाहिए, कुछ जगह बिना स्वार्थ के भी जो है इंसान को अपने इंसानियत के लिए जो है प्रयास करते रहना चाहिए, जैसा कि हम सभी कर रहे हैं, जिसमें निस्वार्थ होकर हम EPS 95 पेंशनर्स की बातों को यहाँ पर आप लोगों के साथ हर एक दिन कहीं ना कहीं हम एक जो वीडियो, एक दो वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा करते रहते हैं, ताकि ये काम जो है सतत रूप से चलता रहे, उनका प्रयास जो है वो कहीं कमजोर ना पड़ सके। तो आज के वीडियो में इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप लोग से फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।